Udaipur, the city of lakes and palaces. Rajasthani food, culture, shopping. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Predella Goyal. Udaipur is one of my favorite places in India. City Palace. सिटी पैलेस का गेट काफ़ी ऊपर था तो हमने वॉक का ऑप्शन लिया ही नहीं। यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े भी है और शॉपिंग के लिए प्लेस भी है दिस पॉइंट, तो आप यहाँ से कुछ खा भी सकते हैं। तो ये है एंट्री ऑफ सिटी पैलेस। तो हमने वहाँ गाइड कर लिया था बिकॉज अगर गाइड ना करते आई डोंट थिंक सो हमें कुछ वहाँ समझ आना था। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग भी प्लीज़ अगर विज़िट करें तो गाइड ज़रूर करें। ये सिटी पैलेस का 3rd फ्लोर है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है इसलिए क्योंकि ये माउंटेन से कनेक्टेड है और कितनी सिमेट्री है इनके पिलर्स में, बहुत ज़्यादा सुंदर है सिटी पैलेस। यहाँ से सारा उदयपुर इतना सुंदर दिख रहा था और वेदर भी बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, मतलब इट वाज वेरी पीसफुल। और मैंने कुछ अपनी रील्स भी यहाँ पे बनाई हैं। ये वो रूम है जहाँ पर रानियाँ तैयार होती थी। अगर आप इसको बारीकी से देखें तो ये बहुत सुंदर बना हुआ है, हर चीज़ के पीछे एक बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। काफ़ी थक चुके थे एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय टू सिटी पैलेस। So our next stop was फतेह सागर लेक बोटिंग। यहाँ पर 2 टाइप्स की बोट अवेलेबल थी, मोटर बोट एंड स्पीड बोट। तो जो स्पीड बोट थी वो बहुत जल्दी कवर अप कर देती थी तो इसलिए हमने मोटर बोट की कि एटलीस्ट हम उस व्यू को आराम से इंजॉय कर सकें। Trust me, the view was amazing and बहुत अच्छा फील हो रहा था, काफ़ी रिफ़्रेश फील हो रहा था, यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया हमने यहाँ पर। स्ट्रीट फूड एंड शॉपिंग। अगर उदयपुर आओ तो स्ट्रीट फूड ज़रूर खाना, यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत ज़्यादा यम्मी था। तो हम यहाँ पे रियल बॉम्बे नेम है जिनका, वहाँ पर गए थे एंड वो कह रहे थे उनका ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड बहुत फेमस है, तो हमने सोचा वाई नॉट हम ट्राई करते हैं एंड इट वाज डैम यम्मी। हमने चाइनीज़ प्लेटर भी ऑर्डर किया था, अगर तो आप विज़िट करें ज़रूर खाएँ। उसके बाद हमने थोड़ी शॉपिंग की। यहाँ पर जो भी लोकल लोग हैं वो ये सब कुछ अपने हाथ से बनाते हैं खुद और बहुत अच्छा बनाया हुआ था उन्होंने, काफ़ी कुछ वैरायटी है यहाँ पर। प्रताप गौरव केंद्र, ये एंट्री है यहाँ की। यहाँ पर इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में बताया हुआ है, उनकी स्टोरी बताई हुई है। यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पे महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाई हुई है एंड वो काफ़ी हैवी है और बहुत सुंदर बनाई हुई है। यहाँ पर एक मंदिर भी बनाया हुआ है। यहाँ पे हर चीज़ की डिटेलिंग बहुत ही प्यार से दी हुई है। बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पे, आप अपना फेस रखेंगे फ़ोटो खींच सकते हैं। और ये बहुत अच्छा डिपिक्ट किया हुआ है सब कुछ, बहुत सुंदर था ये। यहाँ अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पे हल्दी घाटी का जो भी वॉर था सब कुछ बताया हुआ है। और ये महाराणा प्रताप की स्टोरी है। यहाँ पे एक अलग चीज़ थी, यहाँ पे 9 रूम्स थे और ऐसे उन्होंने स्टोरी डिपिक्ट की थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। तो अब मेरे व्लॉग का एंड होता है और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।